हेलो बच्चे, हाँ ठीक से फोकस करना। और क्वेश्चन वैसे इजी है, मैं आपको चार पार्ट में से दो पार्ट समझा रहा हूँ। एर्थ के टोटल फोर पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स मैंने करवाया है, दो पार्ट्स आप खुद से करेंगे। आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे, वो नहीं आता है फिर भी आप मुझसे पूछ लेना। देखो इसमें लिखा हुआ है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो क्या लिखा हुआ है। वेरीफाई ए माइनस माइनस ऑफ बी, ए माइनस ऑफ ब्रैकेट माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ लो अपने बुक से, वहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा। हालांकि लो इसमें भी मैं कर देता हूँ, मैं बच्चे बात कर रहा हूँ इस लाइन की। वेरीफाई ए माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। देखो इसका मीनिंग क्या है क्वेश्चन का, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको पहले सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? ये जो इक्वल निशान के पहले जो आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड, मैं बात कर रहा हूँ इसकी, जो आपको इक्वल के पहले दिख रहा है ये ए माइनस माइनस ऑफ बी, इस चीज़ को इक्वल प्रूव करना है। आपको साबित करना है कि ये इक्वल है, किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के इक्वल है, ए प्लस बी के इक्वल है। और यहाँ पे आपको हर पार्ट्स में ए की और बी की वैल्यू दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ऐसे आपको ए और बी की वैल्यू दिया हुआ है। उस ए और बी के वैल्यू को पुट करके जहाँ पे ए है वहाँ पे उसको रख दो और उसको सॉल्व करो, कैलकुलेट करो जो वैल्यू आएगा। ऐसे ही राइट हैंड साइड आपको ए और बी की वैल्यू रखनी है और ये देखना, आपको ये साबित करना है, आपको प्रूव करना है कि ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम आएंगी सॉल्व करने के बाद। सेम नहीं आती है इसका मीनिंग आपने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में गलती किया हुआ या हमसे कुछ गलती हुई है, उसको दोबारा देखो, सेम आना ही चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे पहले। तो बच्चे फर्स्ट पार्ट में आप देखें क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 21, बी इज इक्वल टू 18। ए और बी की वैल्यू दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ए माइनस ऑफ माइनस बी, और जहाँ पे ए और बी है वहाँ पे वैल्यू रखोगे जो दिया हुआ है पार्ट्स में। क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 21, बी इज इक्वल टू 18। जहाँ पे ए है मैंने वहाँ पे बच्चे 21 रख दिया, जहाँ पे ए है मैंने वहाँ पे 21 रख दिया, और जहाँ पे बी है मैंने वहाँ पे 18 रख दिया। माइनस का साइन यहाँ पे ना वो भी ध्यान देना है, माइनस आपको उठाना नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे ही आपको पुट करना है, बस साइन को चेंज नहीं करना। अब आप बताओ, आपने बच्चे सीखा होगा, मैम ने बताया होगा कि जब माइनस और माइनस लगातार आते हैं, कंटिन्यू होते हैं, तो वो होता है प्लस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। साइन चेंज हो जाएगा जब माइनस और माइनस लगातार होता है तो उसको हम प्लस करते हैं। तो बच्चे हमने क्या किया, प्लस किया, तो माइनस माइनस प्लस, 21 प्लस 18 क्या आया बच्चे, ये आया 39 आ गया, 39 आ गया। अब राइट हैंड साइड लेंगे, क्या लेंगे, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, ये भी 39 आना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि वेरीफाई हो गया, प्रूव हो गया। नहीं आएगा तो इसका मतलब रॉन्ग है, आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है या तो बच्चे आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है वही रॉन्ग हो। तो आओ करते हैं, अब लेंगे हम राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है 21, बी की वैल्यू क्या है 18, उसको सिंपली क्या बच्चे प्लस करना है इनको। तो 21 प्लस 18 क्या होता है, 39 होता है, आप ऐड करना इसको। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए, बिल्कुल इक्वल हो गए। तो मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, इसलिए ये क्या होता है, प्रूव होता है, वेरीफाई होता है। ऐसे बच्चे थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट मैंने नहीं किया है, वो आप खुद से करेंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे। मैं तो कहता हूँ ये थर्ड पार्ट भी आप खुद से समझे, तो ये नहीं आता तो ये मुझसे पूछना बच्चे। तीनों सम आप खुद से करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना और वो भी बता दूंगा मैं। पहले आप खुद से एक बार ट्राई करें।